नमस्कार, टोटल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कालरा। ठीक एक साल पहले दिल्ली की जनता ने इतिहास रचा। 67 सीटों के प्रचंड महाजनादेश के बाद केजरीवाल की दिल्ली की गद्दी पर फिर से वापसी हुई। इस 67 सीटों के करिश्मे के पीछे अगर कारणों को टटोला जाए तो सबसे महत्वपूर्ण था आम आदमी पार्टी का 70 सूत्रीय घोषणा पत्र, जो दिल्ली डायलॉग के माध्यम से दिल्ली की जनता के समक्ष रखा गया और दिल्ली की जनता ने उसे अपने सर माथे पर चढ़ाया। पिछले एक साल के दौरान दिल्ली की जनता से किए गए कई वायदे आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरे किए, कुछ अधूरे भी रहे और कुछ सपने सरकार से टूटे भी दिल्ली की जनता के। केजरीवाल सरकार के एक साल के रिपोर्ट कार्ड पर बातचीत करने के लिए जो शख्स इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें सीएम का राइट हैंड, सबसे भरोसेमंद और सबसे पावरफुल मिनिस्टर कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के वित्त मंत्री, दिल्ली के योजना विभाग के मंत्री, दिल्ली के शहरी विकास विभाग के मंत्री और सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की। मनीष जी, स्वागत है आपका टोटल। मनीष जी, चूंकि हम स्कूल के एनवायरनमेंट में बातचीत कर रहे हैं तो एक छात्र की सोच से रिलेटेड ही आपसे पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि जब एक स्टूडेंट एग्जाम दे के घर पर जाता है, पानी वानी पीता है, बैठता है, तो एक्चुअल रिजल्ट आने से पहले उसको मन ही मन में पता होता है कि उसके मार्क्स कितने आने वाले हैं, कि वो पास होगा या फेल होगा या फिर डिस्टिंक्शन के साथ पास होगा। अब दिल्ली की सेवा करते हुए आपको मनीष जी एक साल हो चुका है, कितना सेटिस्फाई आप महसूस करते हैं कि दिल्ली के सपने आप कुछ हद तक पूरे कर पाए एक साल? मैं तो पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ और पिछले एक साल में जितना काम कोई सरकार कर सकती है, पिछली किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया था। जिस तरह से दिन रात मंत्री लग के काम कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार भी आई थी बहुत इसी तरह बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ में। 100 दिन तो इन्होंने कहा था हनीमून पीरियड के लिए चाहिए और हमने 100 घंटे में काम डिलीवर करना शुरू कर दिया था। बिजली सस्ती हो गई, आज पूरी दिल्ली में करीब 24-25 लाख परिवारों को सस्ती बिजली मिल रही है, आधे दाम से भी कम हो गए हैं दाम। आज दिल्ली में 9 लाख परिवारों के घर में पीने का पानी मुफ्त मिल रहा है, हजारों रुपये बच रहे हैं लोगों के हर महीने, तो कहीं ना कहीं लोगों की बचत हो रही है। आज पूरी दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों में दवाइयां फ्री मिल रही हैं। गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वहाँ वातावरण चेंज हुआ है, पढ़ाई लिखाई का वातावरण बना है। वहाँ पहले टीचर्स का सम्मान नहीं था, प्रिंसिपल्स से पूछता नहीं थे। इस वक्त शिक्षा मंत्री और प्रिंसिपल्स के बीच में, शिक्षा मंत्री और टीचर्स के बीच में लगातार संवाद चलते हैं, क्या कमी है, कैसे कमी है, और उसको लेके पूरा दिल्ली में माहौल बना है कि अब दिल्ली के सरकारी स्कूल सुधरने लगे हैं। जी, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरनाइट किसी दिल्ली के सबसे या दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल जैसे हो जाएंगे, लेकिन माहौल बदल रहा है। पिछले एक साल में माहौल बदल रहा है और अगले 2-3 साल के अंदर अंदर ये स्थिति आ जाएगी कि लोग प्राइवेट स्कूल्स की जगह गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रेफर करने लगेंगे। देखिए मनीष जी, एक जो सबसे प्रमुख वादा था जिससे दिल्ली की जनता परेशान भी थी, वो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी थी। हालांकि मामला अभी कोर्ट के अंदर भी लंबी था, लेकिन सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी कि हम दादागिरी सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल, सरकार देखिए, दोनों ही स्कूल सरकार के विंग हैं, प्राइवेट स्कूल भी और गवर्नमेंट स्कूल भी। तो गवर्नमेंट स्कूल में मैंने बताया हम लोग काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ठीक होने पे काम कर रहे हैं, 8000 नए स्कूल बन रहे हैं, 8000 नए कमरे बन रहे हैं, 25 नए स्कूल तैयार हैं, 100 नए स्कूलों पर काम चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ भी लोगों की शिकायत है कि एडमिशन में धांधली होती है, मोटी मोटी डोनेशन फीस ली जाती है, मंथली फीस बहुत ज़्यादा है, मनमाने तरीके से बढ़ा देते हैं। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमने कानून भी बनाया हुआ है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट रोक के बैठी हुई है, और हमने अभी इसको लेकर ऑर्डर्स पारित किए, तो उन्होंने हाईकोर्ट में कुछ उन्होंने कहा है, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इसको लेकर। तो उम्मीद ये है कि दिल्ली के लोगों को जल्द प्राइवेट स्कूलों की जो दादागिरी है उससे भी राहत मिलेगी। मनीष जी, शिक्षा आपका सबसे प्रिय सब्जेक्ट है, मतलब कहीं पर भी सरकारी स्कूल में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं शिक्षा मंत्री रेड ना मार दे, कई जगहों पर हमने आपकी रेड। मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल में माहौल होना चाहिए कि किसी टीचर को, किसी स्टूडेंट को, किसी प्रिंसिपल को कोई भी परेशानी हो तो उनको भरोसा होना चाहिए कि हमारा शिक्षा मंत्री हमारे साथ खड़ा हुआ है, कोई भी परेशानी होगी तो हमारा शिक्षा मंत्री उसको दूर करने के लिए खड़ा हुआ है। मैं ऐसा माहौल चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता लोग मुझसे डरें, मैं चाहता हूँ कि लोग ये मान के चलें कि शिक्षा मंत्री हमारे साथ है, बस काम किए जाओ। कुछ पढ़ाई के तरीके में भी परिवर्तन देखने में मिला है, विपाशना में आपने बच्चों को भेजना शुरू किया, टीचर्स को भी भेजना शुरू किया, टीचर्स की ट्रेनिंग कराई है। हर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है, ये बात आपको, विपाशना भी कराई है, जीवन विद्या शिविर होते हैं वो भी कराए हैं, जोड़ो ज्ञान, प्रथम, क्रिएट नेट जैसे बहुत सारे NGOs जो इनोवेटिव तरीके से पढ़ाई को लेकर आते हैं उनको भी इन्वॉल्व किया है इसमें।
पर एक जो बुनियादी चीज़ है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में, जो आपने टच किया है, जो बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है वो स्पोर्ट्स में जाए, जो नाटक में जाना चाहता है वो नाटक में जाए, जो कंप्यूटर में काम करना चाहता है वो कंप्यूटर में करे, जो साइंटिस्ट बनना चाहता है वो साइंटिस्ट बने, उसकी आधारशिला हमें स्कूल में रखनी है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, एक दो साल में उसके और नतीजे देखने को मिलेंगे। दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन देखने को मिलेगा अगले 4 साल में, हालांकि ब्लूप्रिंट पूरा तैयार है। बिल्कुल, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है उसका। मुनि जी, एक महत्वपूर्ण विभाग जो आपके पास है वो फाइनेंस भी है, मतलब बटुआ दिल्ली का आप ही के पास है, तो उस लिहाज से अगर आपने जो वैट का एक लक्ष्य रखा था 24,000 करोड़ रुपए पहले रखा था, लेकिन बाद में उसको थोड़ा सा कम करना पड़ा कई कारणों से, एक्साइज भी देखें तो लक्ष्य से काफ़ी पीछे चल रही है, अभी इतना नहीं कह सकते क्योंकि अभी 2 महीने बचे हैं हमारे पास। व्यक्तिगत तौर पर आपको लगता है कि आप वहाँ पर जो उम्मीद के मुताबिक, एक्साइज में नीचे जो लीकेज थी वो बहुत हद तक बंद हो गई और हमने एक्साइज की पॉलिसी भी चेंज करी, एक्साइज में बहुत ईमानदार अधिकारियों को लगाया और उसकी वजह से आज एक्साइज करीब 1.5 गुना बढ़ गई है। वैट में इन लोगों कम नहीं हुई, बल्कि जो हमारा टारगेट था उससे हम वक्त से पहले उसको पूरा कर रहे हैं। टारगेट 19,000 करोड़ के आसपास था, 24 से खिसक के 24,000 करोड़ रुपये उसमें था वैट में, इसमें तो 4,500 करोड़ रुपये और इन सबके जो टारगेट थे वो पूरे हो रहे हैं, वक्त से पहले पूरे हो रहे हैं। लेकिन वैट में प्रॉब्लम ये हुई कि हमने एक ऑफिसर को वैट कमिश्नर बनाया एन दिवाली से पहले, जो कि वैट कलेक्शन का सबसे पीक पीरियड होता है, इन्होंने हमारे वैट कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिया दिल्ली से बाहर। हमने बहुत कहा साहब 2-4 महीने रुक जाइए, ये फाइनेंशियल ईयर के एंड के कर दें, नहीं जी अभी करना है, तो जो परेशान करने की चीज़ें थी। दूसरा, जो नीचे की ब्यूरोक्रेसी है, टैक्स कलेक्शन सबसे सेंसिटिव काम माना जाता है, चाहे वैट में हो, एक्साइज में हो, रेवेन्यू में हो, वहाँ पर एक है कि ऊपर अब पैसा नहीं चल रहा, ऊपर ईमानदारी आ गई, ईमानदार मंत्री बैठे काम कर रहे हैं, अफसर जो सीनियर अफसर हैं उनको अब लग रहा है कि भाई जो उनके मन में भी थोड़ी बहुत बेईमानी थी उनमें से एक तो जेल में है और सबको डर पैदा हो गया, कुछ ईमानदार ऑफिसर सीनियर हैं उनको सेंसिटिव जगहों पर ईमानदार अधिकारियों को लगाया हुआ है, तो उसकी वजह से ऊपर बेईमानी रुक गई। नीचे की बेईमानी रोकने के लिए ACB चाहिए, ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर चाहिए, ये दोनों पावर इन्होंने छीन ली। सबको डर लगा कि नीचे की भी बेईमानी रुक गई, ऊपर की तो बेईमानी रुक गई, नीचे की भी बेईमानी रुक गई तो बस फिर तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए जानबूझ के इन्होंने ACB पे कब्जा किया। अभी हमने थोड़े दिन पहले एक्साइज का एक असिस्टेंट कमिश्नर पकड़ा रिश्वत लेते हुए। अगर ACB हमारे पास होती तो पूरे के पूरे नीचे की ब्यूरोक्रेसी में मैसेज होता कि ACB छोड़ेगी नहीं आपको। अब ACB को छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा, केंद्र सरकार ने एक ऐसे अधिकारी को बिठा दिया जो खुद करप्शन के आरोप में घिरा हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार की जी हम आपको नहीं दे सकते, ये तो मतलब सब इलेजिटिमेट कब्जा सरकार के अधिकारों पर करने के तर्क देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शीला युग की याद नहीं आ जाती कि देखिए पुलिस हमारे पास नहीं है तो हम वुमेन सिक्योरिटी कैसे दें, ये तर्क चीज के लिए तो नहीं। हम तो दावा कर रहे हैं ना करप्शन कम हुआ है, हम बहाने नहीं मार रहे, हम तो बता रहे हैं कि ACB आपने देश के इतिहास में कभी, शीला जी के पास तो ACB थी, करप्शन क्यों नहीं रुका, वो तो बहाने नहीं देती थी, वहां तो करप्शन चलता था। यहाँ तो हमने कहा कि हमने शुरू में 3 महीने करप्शन रोक के दिखाया और जब ACB छीनी इन्होंने, ACB पे आपने सुना कि सेंट्रल फोर्स लगा दी हो किसी राज्य सरकार के दफ्तर में, केंद्र सरकार ने सेंट्रल फोर्सेस भेज के हमारे ACB को छीन लिया। CBI के दफ्तर में आपने सुना कभी किसी मुख्यमंत्री के, उससे बड़ा सेटबैक था CBI, किसी मुख्यमंत्री के दफ्तर में CBI का छापा डाला हो, वो भी कब, कह रहे हैं जी वो 2006 में कोई घोटाला हुआ था उसके बारे में जांच करने गए थे मुख्यमंत्री के दफ्तर में छापा मारने, मफलर मिले उनको पता लगा और राजेंद्र कुमार जी के यहाँ से दारू की 2 बोतल मिली घर पे भी, दफ्तर में कोई हमारे अभी के कैबिनेट फैसलों की फाइल मिली, हमारे अभी के कैबिनेट फैसलों की फाइल का 2006 के घोटाले से क्या लेना देना है, क्यों उठा के ले गए उसको, क्योंकि मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश करनी थी, अफसरों को डराने की कोशिश करनी थी। तो कहीं ना कहीं आपने जो आरोप लगाया है DDCA की फाइल्स वगैरह भी कुछ टटोली गई वहाँ पर, बिल्कुल DDCA की फाइल ढूंढनी थी, अफसरों को डराने की कोशिश थी। आपके भी केजरीवाल साहब ने ट्वीट भी किया था, बताया कि अगला टारगेट सत्येंद्र जैन, ऐसा बताया जा रहा था कि भाई CBI का अगला टारगेट हमें, हमने कहा आ जाओ हमारा भी एक स्वेटर खो गया वो भी मिल जाएगा, कुछ मिलने की गुंजाइश नहीं है और क्या मिलेंगे। मेरी वाइफ ने मजाक किया, बोले जी वो एक स्वेटर था पिछले साल, इस साल दिखने का कहाँ गया, हो सकता है CBI आए कोने कोने में छापा मारेगी तो हो सकता है वो स्वेटर ही मिल जाए। सर्दियों का इंतजाम हो रहा है, एक जगह मफलर एक जगह स्वेटर मिल रहे हैं। अच्छा मनीष जी, आपने बड़े बड़े होर्डिंग, जब मैं प्रचार कवर कर रहे थे तो बड़ा अच्छा लगता था, बड़े बड़े फ्री वाईफाई दिल्ली के अंदर मिलेगा, CCTV कैमराज लगाए जाएंगे, ये पायलट प्रोजेक्ट ही आपका हाँफने लग गया है,
दिल्ली हाट के पास मैं छात्रों से बात कर रहा था, वो जो बोर्ड लगा हुआ है उसके नीचे भी वाईफाई नहीं मिल रहा है, और जो 6 बसों के अंदर आपने शुरू किया वाईफाई उसके अंदर भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। वाईफाई दुनिया के शहरों में अभी उस तरह से है नहीं जिस तरह के वाईफाई की हम बात कर रहे हैं। CCTV कैमरा सिंगापुर, हांगकांग और इन तमाम दुनिया के देशों में लगाए गए हैं, हमारे यहाँ भी ज़रूरत है, पर ये ओवरनाइट नहीं लग सकते। आप मतलब यही साल हमसे 24 घंटे बाद भी पूछ रहे थे, 48 घंटे बाद भी पूछ सकते थे, 100 दिन बाद भी पूछ सकते थे, 1 साल बाद भी। हर चीज़ के एक समय होता है कि भाई ये तो कुछ समय तो इसमें लगेगा, सब चीज़ों को स्टडी करने की ज़रूरत है। बहुत सारे फाइनेंशियल मॉडल हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्नोलॉजी किस फाइनेंशियल मॉडल में बेहतरीन रहेगी दिल्ली के लिए ताकि अगले 20-25 साल के लिए यहाँ पे ये सब चीज़ें फाउंडेशन चल सके। तो हम अफरा तफरी में कुछ लगा दें, इसीलिए पायलट होता किस लिए है? पायलट सक्सेसफुल भी हो सकता है और पायलट फेल भी हो सकता है। पायलट करते ही इसलिए हैं क्योंकि उसमें संभावना होती है कि वो फेल हो सकता है। अगर हमें गारंटी होती सब कुछ ठीक ठाक चल जाएगा तो हम तो पूरी दिल्ली में कर देते ना। तो पायलट करके इसीलिए देखा हुआ है, पायलट करके इसीलिए देखे जाते हैं, उससे लर्निंग होती है। पायलट पास या फेल नहीं होते, पायलट ये देखा जाता है कि अगर इसके तरह करके देखें तो क्या नतीजे निकलेंगे। तो वो अब कौन से हमने कंसल्टेंट हायर किए हुए हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इन सारी चीज़ों को स्टडी करके कि दिल्ली में कौन सा फाइनेंशियल मॉडल रहेगा, कौन सा टेक्निकल मॉडल रहेगा, उस पर काम कर रहे हैं। तो कब तक दिल्ली के युवाओं को कम से कम बहुत अट्रैक्शन है इस वादे के लिए? 5 साल में 70 के 70 वादे पूरे करेंगे। अच्छा, CCTV का जिक्र आपसे किया था, आप गृह मंत्रालय भी गए थे, CCTV की फुटेज की अथॉरिटी के ऊपर कहीं ना कहीं रस्साकशी दिल्ली पुलिस के साथ फंसी हुई है, वो मामला कब तक? ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनका ना आपके दर्शकों को कोई लेना देना है, ना हमें, ना आपको। ये ऐसी चीज़ें जो टाइम आता है अपने आप रिजॉल्व होती हैं। जब CCTV लगाएंगे तो दिल्ली सरकार CCTV लगाएगी, दिल्ली सरकार CCTV फुटेज देखेगी, उसको कंट्रोल करेगी, पुलिस को चाहिए पुलिस ले ले, जिसको चाहिए वो ले ले। ये अधिकार आप चाहते क्यों हैं कि आपको CCTV का अधिकार मिले, जबकि पुलिस विंग है जो निगरानी तक? ये अधिकार कहाँ से आ गया? आप ये कैमरा लेके बैठे हुए हैं, आपके चैनल, आप लोग आए हैं यहाँ पे, तो अब आपको देखने की इजाज़त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए, इसमें अधिकार कहाँ से आ गया? तो दिल्ली पुलिस को अपने अधीन लाने जैसी बात होगी ना। क्यों? आज आप कहें भाई दिखाना जरा रिकॉर्डिंग कैसी हुई है, तो ये दिल्ली पुलिस को आपके अधीन लाने की बात हो गई? ये तो आपने कैमरा सेटअप लगाया है, ये चारों तरफ कैमरे लगाए हैं, आप बैठे हो या माइक वाइक लगा के, लाइट लगा के बैठे हो आप, तो आप जब ये सेटअप लगा रहे हो तो आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? आप कर किस लिए रहे हो ये? आप मंशा क्या है उसकी? हाँ, नहीं नहीं, मंशा मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपकी मंशा क्या है ये सब देखने की? नहीं, अगर मेरे लिए कोई एजेंसी है कि दिल्ली पुलिस का ही काम है दिल्ली की निगरानी रखना, CCTV कैमरा अगर दिल्ली पुलिस का काम है तो लगा लेना। अगर दिल्ली सरकार CCTV कैमरा लगाएगी तो CCTV कैमरे देखेगी भी कहाँ चल रहा है, सिक्योरिटी कैसे की जाए, तो CCTV कैमरा लगाएगी कोई सरकार? झुंझुना तोड़ेगी कि जिसको लटका के खुश होना है?